हेलो गाइस, मैं हूं शगत और आज बनाऊंगा एक बहुत ही शानदार ब्लूटूथ स्पीकर जो आप भी घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हो। तो चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ब्लूटूथ स्पीकर को बनाने के लिए मैं इस तरह का एक कैबिनेट का यूज़ कर रहा हूं और इसी कैबिनेट को मैं कलकत्ता का चांदनी मार्केट से खरीद कर ले आया हूं और इसका प्राइस हमसे लिया है सिर्फ 20 रुपीज़। ओके, और इसको यूज करने से क्या होगा, हमको अलग से कोई भी कैबिनेट नहीं बनाना पड़ेगा। और गाइस, इसके अंदर देखो, इसके अंदर चार लेग है, तो मैं इसके ऊपर स्पीकर को अच्छे से लगा दूंगा। और यहाँ पे मैं 3 वाट का स्पीकर यूज़ कर रहा हूँ और इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पे फिट करना पड़ेगा। ओके, और स्पीकर को चलाने के लिए चाहिए एक एम्पलीफायर बोर्ड और उसके साथ चाहिए एक ब्लूटूथ चिप। ओके, तो ये जो एम्पलीफायर मैं यूज़ कर रहा हूँ इसका नंबर 8430 और उसके साथ है ब्लूटूथ चिप। ओके, और आप इसी दोनों का कनेक्शन भी करना पड़ेगा, तो चलिए इसी दोनों का फटाफट कनेक्शन कर लेते हैं। तो गाइज, यहाँ पे तीनों तार सोल्डरिंग कर दिया हूँ एल टी और आर में, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी लिखा हुआ है आर जी और एल। ओके, तो इसी तीनों पॉइंट में एम्पलीफायर बोर्ड का तीनों तार को सोल्डरिंग कर दूंगा और यहाँ पे एल के साथ एल, आर के साथ आर और टी के साथ ग्राउंड को सोल्डरिंग कर दूंगा। और गाइज, यहाँ पे और एक बात, एल मतलब लेफ्ट वाला स्पीकर और आर मतलब राइट वाला स्पीकर। ओके, तो गाइस यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख सकते हो 5 वोल्ट पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा हुआ है और यहाँ पे भी लिखा हुआ है VIN और ग्राउंड। ओके, तो इसी दोनों को आपस में बायलरी जोड़ दूंगा। और गाइस, मैं इसका पूरा ही कनेक्शन कंप्लीट कर लेता हूँ और वीडियो का एंड में मैं एक सर्किट डायग्राम दे दूंगा, आप वहां से देख के इसका कनेक्शन बहुत ही आसानी से कर सकते हो। तो अब मैं इसका कनेक्शन फटाफट कर लेता हूं। तो गाइस, बैटरी को चार्ज करने के लिए मैं लिया हूँ एक चार्जिंग मॉड्यूल और उसके साथ यहाँ पे ग्रीन और रेड एलईडी सोल्डरिंग अलग से किया हूँ, आप यहाँ पे कनेक्शन वगैरह देख सकते हो। और गाइस, यहाँ पे जो बी पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा हुआ है यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव तार डायरेक्ट सोल्डरिंग कर दूंगा। तो गाइस, स्पीकर को यहाँ पे लगाने के बाद इसका सामने वाला जो पोर्शन था ये वाला, इसको कुछ इस तरीके से अलग किया जा सकता है, तो मैं फटाफट इसको अलग कर लेता हूँ पहले। तो अलग मैंने कर लिया है और अब इसको यहाँ पे टाइट कर दूंगा स्क्रू के द्वारा, तो अभी तो नहीं करूंगा, फिट करूंगा एकदम वीडियो का लास्ट में। तो अभी तो इसके अंदर और भी बहुत सारे काम बाकी है, उसको पहले करते हैं। ओके, और यहाँ पे जो तीनों होल है इसको मैं यहाँ पे यूज करूंगा, तो पहला वाला जो होल है राउंड वाला, यहाँ पे लाऊंगा एक चार्जिंग सॉकेट यहाँ पे, और नीचे वाला पोर्शन में लाऊंगा एक स्विच और लास्ट में यहाँ पे लाऊंगा दोनों एलईडी। ओके,
तो गाइस ब्लूटूथ स्पीकर एकदम रेडी हो चुका है और सामने वाला पोर्शन में थोड़ा सा मैं कलर कर लेता हूँ। तो गाइस बहुत ही शानदार लग रहा है, एकदम चमक रहा है, देख सकते हो। तो चलो इसको चलाते हैं और देखते हैं इसका साउंड कैसा है। ओके Bluetooth mode connected. तो गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए यहाँ पे जो वीडियो आ रहा है उस वीडियो को क्लिक कर सकते हो। आपके साथ वही मिलूंगा। ओके बाय बाय।